24 घंटे तक हमें 24 घंटे नहीं यार, क्या हो गया। हम लोग आए थे असल में यहाँ पे घूमने। हम जब भी हम बोर होते हैं तो हम चाहते हैं कि हम आए बोट में एंजॉय करें, मछलियाँ पकड़े। हम दोनों का यही शौक है, आप लोगों को पता है। आज मुहिम ने बहुत ज्यादा जिद की कि मैं अपने सब्सक्राइबर यानी कि लिटिल जलमी आर्मी को मैं अपना आज का दिन एंजॉय कराना चाहता हूँ। हाँ। तो चलो भाई, ये इसका ही व्लॉग है, अब क्या कर सकते हैं यार। चलो गाइस, मां दो से मिलते हैं। हां मां, कैसे हो? जबरदस्त। क्या करने वाले हो आज यार? बोट में पकड़ने वाले हैं। एक तो यार बताओ, कौन सी मछली पकड़ोगे? गिस्सर पकड़ोगे? चलो यार गाइस, अभी हम लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं यार। सच में चलो यार, जल्दी से चलते हैं। मुझे तो भाई, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड यार। अभी सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए भाई, वरना बहुत ज्यादा गर्मी होती है यार वहाँ। गाइस ये है केवाड़ी पोर्ट, यहाँ पे बहुत सारी बोटें होती हैं और वहाँ से बोट लोग लेके जाते हैं। तो यहाँ से कोल्ड ड्रिंक लो, ले ले कोई भी ले लो। वो है ना इजरायली, कोई भी जो इजरायली नहीं हो वो ले लो। पकोड़ा लेते हैं भाई। इजरायली कौन कौन सी है? सारी है, पकोड़ा नहीं है। अरे नहीं, सोनी तो इसराइल का नहीं है, जापान का। यार आपने जो शर्ट बनाई है पहली दफा इसराइल में बनी। भाई जो भी है यार, अगर कपड़े भी इसराइल के हैं तो उतारने पड़ेंगे भाई। वो देखो भाई ने फलस्तीन का झंडा भी लगाया है। गाइस इसी खुशी में बिग शाउट आउट टू भाई। हम लोग पीने के लिए भाई सामान ले लिया, खाना तो हम लोग बोट पे पकाएंगे, तो जल्दी चलते हैं। चलो क्या कहते, मुझे फाइनली चश्मा पसंद आ चुका है। ये देखो गाइस, ये वाला कितना मजे का चश्मा है, ये देखने के लिए भाई। हमें यहाँ पे इतनी अच्छी अच्छी बोटे उसमें कुछ सोफे वोफे भी है। लेकिन हम तो बड़ी बोट बुक नहीं करवा सकते क्योंकि लिटिल की वीडियो बजट थोड़ा सा कम होता है, तो बेकार से। एक तो कॉमेडी करता रहता है गाइस, साजू भाई मुरसई वहाँ पे बोटों की बात करें की मतलब कौन सी करें। अगर अल्लाह करे कोई अच्छी सी बोट ले, सोफे वोफे जिसमें वो मजा आ। ये किसी जगह है, ऐसा लग रहा है जैसे हैदराबाद की घंटाघर आ गया यार। इसका टाइम भी मेरी घड़ी की तरह खराब ही चल रहा है। ये तो रेलवे स्टेशन है भाई फुल। यार गाइस ये आपने हर वीडियो में आपने यही देखा होगा, सच में हमेशा यही करते हैं। ये देखो, ये तो बिल्कुल ही रेलवे स्टेशन यार। ये देखो कुली ने बैग भी उठाया हुआ है। देखो चलो जल्दी से जाओ यार। मेरी कौन सी वाली बोट है? ये वाली बोट हमारी। भाई फुल टू स्टोरी बोट है और साथ साथ अंदर वॉशरूम और भी बहुत सारी, जिमनेजियम साथ में, स्विमिंग पूल और भी बहुत सारी चीजें। फुल खर्चे कर रहे हैं साजू भाई आज। एक चीज तुम लोग को बताना चाहता हूँ भाई, ये देखिये यहाँ पे इतना सारा कचरा हुआ है। बाहर जब अभी आप लोग समंदर देखने जाएंगे ना, कोई भी ऐसा कचरा नजर नहीं आएगा। ये साइडों पे हम ही लोगों ने कचरा किया है गाइस। जितने भी अपने जलमी आर्मी है, कचरा वचरा कहीं भी जाए ना, तो अपना कचरा साथ जमा करके वापस लाके अपने घर के डस्टबिन में फेंके यार। कचरा ना करें, खर्चा जरूर करें। मेरा तो आप लोगों को पता है फेवरेट चीज आ गई, फुल जंपे मारूंगा, डाइवे मारूंगा, मजा आएगा। मोहिब को भाई ने टिकटॉकर बोला है। कौन से भाई ने बोला है? कौन है ये? कौन है? मोहिब भाई है। क्या है ये? क्या टिकटॉकर है? तुम्हारी इतनी मजे की बोट है यार, ऊपर की छत भी है, नीचे भी है, और यहाँ पे शिराज भी है, और वहाँ पे मुर्सलीन भी है, माल भी है भाई, सब खुले खुले बैठेंगे, मजा आएगा। ये बोट जो है ना, ये वैसे 25-30-40 लोगों के लिए, कितने लोगों के लिए होती है मुर्सलीन? 40 इतने सारे लोगों के लिए होती है। सबसे अच्छी बात ये है टू स्टोरी बोट। ये देखे गाइस, मोहिब ऊपर चढ़ रहा है। मोहिब जाओ ऊपर। ये देखो गाइस, यहाँ पे दो सोफे पड़े हुए, एक सोफा ये रहा, एक सोफा ये रहा। यहाँ पे आराम से बैठ के सब मजे कर सको। किसी को महफिल बनानी है ना, सबसे फुल मजे की महफिल। और ये देखो गाइस, ये यहाँ पे बैठ के मजा आएगा। ये गाइस मेरा बजट तो उस बोट का था, लेकिन यार गरीबों के साथ आ गए तो ये इधर लेके आ गए, तो मैं बोला चलो। सो गाइस अभी हम जाने वाले हैं खुले पानी में, खुले समंदरों में, और वहाँ पे हम लोग फिशिंग करेंगे। साथ में अपने लिए बनाएंगे बिरयानी, वो भी झींगा बिरयानी, और ऊपर भाई बहुत मजा आ रहा है। हमारे पास अगर एक भी छुट्टी होती है, हम अपनी छुट्टी इसी तरीके से एंजॉय करते हैं, पानी में जाते हैं और मजे करते हैं। सो गाइस ये है एक ऑयल टैंकर, ठीक है। इस ऑयल टैंकर से रिलेटेड मैंने अपना एक पॉडकास्ट विद नो कास्ट शुरू किया है जलमी गेमिंग पे। इससे रिलेटेड एक बहुत मजे की कहानी है, मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, आप लोग वहाँ पे लाजमी देखें, क्योंकि उस चैनल पे भी हमें मिलियन लाजमी करने का। बीच समंदर में लेटे और ये गाना चल रहा हो, समंदर के किनारे बैठे हैं और पांव गीले, लेकर आया पानी, उन्होंने कहा आप पी ले। हमारी बोट को दूसरी बोट के साथ बांध दिया गया, पता नहीं क्या हो रहा है, शायद दूसरी बोट में जाने वाले हम लोग, लेकिन वो बहुत बड़ी बोट है। तो तुमने कराया भी दिया और उतना तो हमारा बजट भी। ये जो आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये बहुत सारे कछुए जिसको हम लोग कांटों में डालेंगे। ये देखे गाइस, ये आज आप लोगों के सामने मोहिब खा के भी दिखाएगा। आए 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 मोहिब, इधर 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 इधर। और मोहिब प्रोटीन लेने के लिए, चलो भाई। ये गाइस हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे कुंडे हैं, हम इसमें जो है इसको डालेंगे और देखेंगे कि आज हमारे नसीब में कोई मछली आती है या नहीं। मुझे लग रहा है आज हमारा चांस है। चलो गाइस हमारा पहला कांटा, ये देखे। और ये डाल में
ट्रेन दिख चुकी है कैमरा के अंदर। वैसे तो गाइस यहाँ पे मौसम नहीं है मछली का, मछली बिल्कुल सर्दी के मौसम में बहुत ज्यादा होती है और हम किनारे से इतना ज्यादा दूर भी नहीं है। हम सिर्फ आए थे एंजॉय करने के लिए, खाना खाने के लिए, पर मछली इंशाल्लाह हमें मिलेगी क्योंकि सब लोगों ने अपने अपने कुंडे फेंके हुए और मुझे लगता है कोई अस्तोला जैसी बड़ी मछली आने वाली है। तो गाइस अभी मुरसलीन ने जंप करना है। मुरसलीन पहले सबसे पहले ये देख रहे हैं कि नीचे कांटे हैं, कहीं कांटा मैं ही ना फंस जाऊं, ये लोग मुझे खींच रहे हो। तो मुरसलीन जंप मारना तो अलाउ नहीं है गाइस। जब भी हम लोग मुरसलीन को ये बोलते हैं कि जंप मारना अलाउ नहीं है तो मुरसलीन जंप करता है। आज देखते हैं कि मुरसलीन कर पाएगा या नहीं। हवा बहुत चल रही है, हवा बहुत चल रही है और 1 2 3 मुरसलीन ये। ओए या गाइस अभी मुरसलीन ऊपर आ चुका है। मुरसलीन कैसा एक्सपीरियंस था? अस्तोला बहुत ठंडा पानी है यार, मुश्किल है। मैं दोबारा जंप करूं पता है? दोबारा बहुत मुश्किल है। तो So finally guys, एक मछली आई है। देखते हैं कि कैसी मछली है। ओ, बहुत ही छोटी मछली है गाइस ये। So guys, चावल के ऊपर झींगा हमने डाल दिया है, दरमियान में झींगा और उसके ऊपर फिर से चावल ताकि सही तरह मिक्स हो जाए। Finally, एक और मछली हमने पकड़ ली है। और ये हमारी झींगा बिरयानी रेडी है और ये है हमारा झींगा। पहला निवाला मोहिब ट्राई करने वाला है। ओए, ओए, ओए। सही बताओ, सच सच क्या बोलूं यार, मजे की है? बहुत मजे की है। रुको चेक करते हैं, चेक करते हैं। वाह यार, बहुत मजे की बिरयानी है गाइस। वो देखे गाइस, सामने सूरज गुरूब होने वाला है, ठीक है। हमें मछली के नाम पे कुछ भी नहीं मिला, हमारा ये ट्रिप जो है वो इतना मजे का नहीं था। क्या कैसे देखे, यहाँ से कराची भी नजर आया, वो देखे भाई बुर्ज खलीफा कराची का। और अगर लोड शेडिंग ना होता तो भाई कराची को सिटी ऑफ लाइट्स भी कहते हैं। मैं भी जरा पिलाना, पिलाऊं? ये लो ना, अभी गिलास नहीं हमारे पास। सो गाइस, इसको पीने का तरीका, मुझसे नहीं पीछे से उठाना हल्का सा। ग्लास नहीं है तो आपको मैं सिखाता हूँ कि पीते कैसे। So guys, खाना तो मोहिब ने खा लिया, लेकिन अभी मोहिब को बहुत तेज वॉशरूम आ चुका है, बहुत तेज नहीं है लेकिन जाओ। तो ये है हमारे इस बोट का लग्जरी वॉशरूम, ये लोग है। आ जाओ मोहिब, आ जाओ। वाओ, फुल साफ। तो गाइस मैं वॉशरूम आ गया, जल्दी से दरवाजा बंद कर रहा है। क्या कर रहे हो? एक तो ये दरवाजा भी नहीं बंद कर रहा। अच्छा बंद कर दो यार। गाइस ये वाहिद वॉशरूम है जिसका लॉक बाहर की तरफ से लगता है, बाहर वाले के पास अथॉरिटी है कि वो किसी टाइम भी दरवाजा खोल सकता है। तो गाइस अभी आ चुका है जाने का टाइम। भाई हमें इतना मजा आया, हमने बिरयानी भी बनाई, खुद ही बनाने में बहुत ज्यादा मजा आता है। सीजन नहीं है ना तो इस वजह से मछलियां यहाँ पे नहीं है। और हमारे मछेरे भाई है साजिद भाई। बिल्कुल, मेरी छुट्टी में इसी तरह एंजॉय करता हूँ। आप लोगों को मैं आज की वीडियो में ज्यादा दिखा भी नहीं होगा ना, ये मेरी छुट्टी होती है यार। गाइस हवा तो उस तरफ को चल रही है भाई, वरना तो हम लोग उस तरफ चले जाते। तो हमें इस चीज से बांधा हुआ है साजिद भाई, इसका क्या नाम है? इसका नाम है चीज। चीज जो है इस चीज से हमें बांधा हुआ है तो हम लोग तभी इधर रुके हैं, वरना हम लोग इधर उधर चले जाते हैं। तो कितनी अच्छी बोट है, कितनी सजी हुई है, तो उसमें किसी ना किसी की तो बर्थडे होगी, तो उसको हैप्पी बर्थडे बाय। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। हम लोग इसी तरह हमेशा आते हैं छुट्टी मनाने के लिए। अगर आपको इसी तरह की और भी वीडियो चाहिए तो हम लोग हमेशा मनाते रहेंगे आपके लिए। ये थी आज की वीडियो, इसी से आप नई ट्रांसफर्मी को दीजिए। ज्यादा अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कर देना।